Hello and welcome to Brands Impact Presents Success Stories. Zameen Se Falak Tak Season 1 in association with Sampati Trading and Developers Limited, Pushti Group and BollywoodCart.com. Aur hamare fashion partner hai Absoluto, jinke kapdon ko dekhkar aankhein chakha chond ho jaye. Dosto, safalta ka koi shortcut nahi hota. Yahi wajah hai ki chahe kitna bhi waqt badla ho, yug badla ho, paristhitiyan badal gayi ho, phir bhi kadi mehnat aur lagan se safalta ke liye kiya gaya prayas kabhi khali nahi jata. अभावों के बीच पलकर भी सफलता पाने का इतिहास युगों युगों से लिखे गए. इसी बात को सिद्ध करते हैं हमारे आज के नायक और विजेता सुवी आई इंस्टीट्यूट एंड लासिक लेसर सेंटर के डायरेक्टर और आई सर्जन डॉक्टर सुरेश पांडे, जो कि शहर कोटा से हैं. हौसलों से मुश्किलों का गुरूर तोड़ चुका हूं, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम रिनाउंड आई सर्जन फ्रॉम कोटा, डॉक्टर सुरेश पांडे. सबसे पहले तो मैं आपका दिल से और आंखों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप आंखों के डॉक्टर हैं. यू आर एन आई सर्जन एंड ऑप्थल्मोलॉजिस्ट. थैंक यू. आपकी कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां ज्यादातर अंधेरा ही रहता था. उस अंधेरे में आपने आंखों के डॉक्टर बनने का सपना कैसे देखा? मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था. उस समय वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और रोड कुछ भी नहीं था, पर बचपन से ही मुझे मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट रहा है. तो मैंने देखा, जब पढ़ाई की मैंने कुछ मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी, तो मैंने देखा कि कई अधिकांश जितने भी लोग हैं इस वर्ल्ड में, संसार में, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा काम किया, किसी सफल मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उनकी शुरुआत बड़ी हम्बल बिगनिंग से हुई है, बड़ी छोटे से लेवल से हुई है ऑलवेज. तो मैं उसको पढ़ के मुझे दिमाग में विचार कोंधा, तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं. बिल्कुल. तो उसी सपने को साकार करने के लिए मैंने अपना जुनून, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने कोशिश की, मशक्कत की, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सपना साकार होने लगा. उसका परिणाम ये हुआ कि आज आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि हिंदुस्तान आपको देखना चाहता है. और एक किसी कवि ने खूब कहा है कि खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो एक्चुअली ये जो उस कविता का जो मेन सार है वो ये है कि इंसान अपने विल पावर से, अपने जुनून से किसी भी मंजिल को पा सकता है. पत्थर से पानी निकाल दे. बिल्कुल बिल्कुल. और पानी को पत्थर बना दे. बिल्कुल सर. ये तो विल पावर की बात. बिल्कुल. तो फिर उसके बाद आगे आप कैसे बढ़े जिंदगी में और किन किन लोगों का सपोर्ट मिला? तो मैं एक्चुअली जब मैं शुरुआत मैंने पढ़ाई की, तो मैं हमारे गांव में एक्चुअली फैसिलिटी नहीं थी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन मैंने पास करने के बाद में मैं पास के गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पढ़ाई की मैंने. और उसके बाद फिर शुरू से मेरा एक सपना था एक डॉक्टर बनने का. वो सपना इसलिए था कि मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकता हूँ, किसी की मतलब दिल तक कुछ छू सकता हूँ, किसी की पीड़ा को मैं समाप्त कर सकता हूँ या उसकी पीड़ा को हल्की कर सकता हूँ. तो उस पायदान में चढ़ता रहा मैं, उस दिशा में परिवर्तन चलता रहा, आगे चलता रहा. और जब आगे बढ़ा मैं, तो उसमें मैंने देखा कि कई सारे ऐसे क्षण आए, कई सारे चुनौतीपूर्ण समय आया, उसमें कई सारे लोगों ने हेल्प भी की मेरी. और सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल था वो मेरे फादर मदर का था स्टार्टिंग में. उन्होंने एक्चुअली मुझे हमेशा शुरू से प्रोत्साहित किया. मेरे फादर एक टीचर थे, तो उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप पढ़ो और इस पढ़ नॉलेज के बल पे आप मंजिल पा सकते हो. और साथ ही मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी आंखों का के डॉक्टर थे, वो भी आंखों की उन्होंने किसी उसी टाइम पे, जो बहुत पुरानी बात है, उस समय पे ऐसे मेडिकल कॉलेज में तो नहीं, पर उन्होंने किसी डॉक्टर से वो कुछ आंखों के इलाज की ट्रेनिंग प्राप्त की थी. और वो क्वालिफाइड आई सर्जन नहीं थे. वो क्वालिफाइड आई सर्जन नहीं थे कि ये वो काफी पुरानी बात है, 1948-50 के आसपास की. हाँ, तो एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री है आपकी जिंदगी में. हाँ जी. मतलब इस तरह से डॉक्टर आप यूं ही आपने ख्वाब नहीं देखा, विरासत मिले. बिल्कुल. ये सपना आपको विरासत मिला. सपना विरासत मिला. तो मैंने देखा कि जब गांव में दादाजी ऑपरेशन करने जाते थे कई बार, तो उन्होंने देखा उस टाइम पे गांव में कई सारे लोग अपने मतलब जो एल्डरली लोग हो जाते थे, तो उनको बाहर जैसे सपोज नित्य क्रिया से, नित्य क्रम से निपटना होता था, तो भी बाहर कोई बच्चा ले आएगा उनको, वो घर पूरे दिन अंधेरा उनकी जिंदगी आगे था. जब दादाजी उनका ऑपरेशन करते थे और वो ऑपरेशन करके प्लस 10 डायप्टर का जो चश्मा लगा देते थे, तो उसको दिखने लग जाता था, तो वो बड़ा एक जो एक्साइटमेंट था, एक थ्रिल थी, एक जो
उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती थी वो मुस्कान देख के मुझे लगता था कि ये कितना एक अच्छा काम है जिससे एक जिंदगी में एक परिवर्तन हो रहा है और एक जिंदगी में इतना जो एक कल तक वो आदमी अंधा था ब्लाइंड था उसकी जिंदगी में एक सुकून की एक रोशनी मिली है तो मुझे लगा कि ये काम बहुत अच्छा है और बहुत ही मुझे उस काम से इंस्पायर हुआ। उसी को आपने परस्यू किया? हाँ परस्यू किया। एक सवाल जो मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए था, हैरत वाली बात यह है, शायद आयरनी भी है, कि एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है जो आई सर्जन, उनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं तो वो बेसिकली चश्मा लगा होता है उनकी। एक तो क्या होता है कि वो ज्यादातर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो है उनका दायरा 1-2 मीटर 3 मीटर में सिमटा होता है, दिन भर मरीज देखना और ऑपरेशन करना। तो क्या होता है कि धीरे धीरे आंखों का काम है और क्या धीरे धीरे उनको इतना पढ़ाई ही करनी पड़ती है, इतनी अपडेट रहना पड़ता नॉलेज से कि उनको आंखों का काम लेते लेते आंखें मतलब चश्मा लग ही जाता है उनको। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब चश्मा लग जाता है तो कई सवाल जो आपने हमसे पूछा है वो सवाल मरीज ही पूछते हैं। आप तो आंखों के डॉक्टर, तो फिर आपको अगर चश्मा लगा तो फिर आप हमें कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सवाल जो है ये मरीज ही पूछते हैं हमसे, तो हम लोग उसका जवाब ही देते हैं कि देखिए ऐसा है कि हम लोग चश्मा इसलिए लगाते हैं ताकि एक थोड़ा सा लगे कि हम डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। और दूसरा क्या है कि जो कई बार हमारे पास हाई फ्लू के मरीज भी आते हैं, जो कंजंक्टिवाइटिस वाले मरीज भी आते हैं, तो चश्मा एक प्रोटेक्शन का काम भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मरीज आपको कहते हैं कि आप चश्मा क्यों लगाते हैं और आप कहते हैं कि भाई आंखों से ही सारा हमारा काम है और आंखों का काम है देखना और आंखें चारों तरफ देखती हैं और कभी कभी आंखें देखते देखते किसी की आंखों में अटक भी जाती हैं और फिर आंखें चार हो जाती हैं, आंखें चार हो जाती हैं तो दो दिल एक हो जाते हैं। और ऐसे ही शायद आपके पत्नी से भी मुलाकात आपके ऐसे ही हुई होगी, जब आपकी आंखें चार हो गई होंगी तो हम चाहेंगे हम उनको यहां आमंत्रित करें। प्लीज वेलकम डॉक्टर विदुषी पांडे एंड हर डॉटर इशिता पांडे। आप भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर, अक्सर ऐसे कैसे होता है जो हस्बैंड वही वाइफ होती है या जो वाइफ होती है वही हस्बैंड भी हो जाता है, तो ये आंखें चार कैसे हुई उस पर बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि संजोग कैसे बनता है? ज्यादातर तो कुछ लोग तो मेडिकल कॉलेजेस में ही हिचअप हो जाते हैं क्योंकि इतनी लंबी पढ़ाई है और 10 साल इकट्ठे पढ़ते पढ़ते काफी चांसेस हैं कि आप हो जाते हैं। दूसरा लोग जैसे अक्सर फिल्मों में सारे रोमांस जो है आउटडोर में ही होते हैं क्योंकि इतने वक्त तक दो लोग साथ में रहते हैं तो जाहिर है कि इश्क हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि लोग कहते हैं कि शायद एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि काम थोड़ा सा, हर काम डिमांडिंग है जैसा आपने कहा, पर मेडिकल प्रोफेशन भी बहुत डिमांडिंग है, कई बार आपको नाइट ड्यूटीज वगैरह करनी पड़ती हैं, तो लोगों को थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग लगती है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हो। और हम तो दोनों आंखों के डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर इन द सेम पेज। और हम इस गहमा गहमी ये भूले गए कि आपकी बेटी भी यहाँ आई है, इशिता। हेलो। हेलो। आप भी बड़े आंखों के डॉक्टर बनना चाहती हैं? नहीं। अरे डैड भी आंखों के डॉक्टर, माँ भी आंखों की डॉक्टर, आप क्या बनना चाहती हैं? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, वाह, ये तो बहुत ऊंची सोच है आपकी। इस एज पर तो कुछ भी सोच कुछ भी नहीं, पर अच्छा है, कम से कम उड़ान तो ऊंची भरी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे कि इनकी आंखें जो है बचपन में खुल गई थी, ख्वाब देखना शुरू कर दिया था और ये फिर विदेश भी गए, विदेश में जाके इन्होंने पढ़ाई की, ऊंची शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सबसे अच्छा जज्बा मुझे ये लगा और वो फिल्म स्वदेश में भी दिखाया गया था जो उसका नायक था, सब कुछ सीखने के बाद उसको लगता है मेरा देश मुझे वापस बुला रहा है, मुझे घर वापस लौट के जाना चाहिए, इससे खूबसूरत देशभक्ति का जज्बा हो ही नहीं सकता। हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर सुरेश पांडे से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ऑन ब्रांड्स इंपैक्ट प्रेजेंट्स इंडियाज मोस्ट इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी सीजन 1। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं शेखर सुमन आप सभी का उस शो में स्वागत करता हूं जहां सिर्फ हौसले और उम्मीद की बात होती है, जिसका नाम है ब्रांड्स इंपैक्ट प्रेजेंट सक्सेस स्टोरी जमी से फलक तक सीजन 1। हम बात कर रहे हैं आई सर्जन डॉक्टर सुरेश पांडे जी से। डॉक्टर साहब, आपसे बात कर रहे थे कि आप फिर विदेश गए, विदेश में पढ़ाई की, ये कहां से ख्याल आया? आप चाहते तो एक बड़ी अच्छी सफल जिंदगी और एक दौलतमंद जिंदगी वहां गुजार सकते थे क्योंकि डॉक्टरों का वहां बड़ा बोलबाला है और अच्छी जिंदगी वहां वो गुजारते हैं, तो फिर ऐसा कहां से ये नेक ख्याल आया कि मुझे देश जो है वापस जाना चाहिए, अपना मेरा देश मुझे बुला रहा है? जब मैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहा तो मुझे उस समय लगा कि वहां पे वो क्या डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सबसे अत्याधुनिक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मुझे लगा कि अपनी जरूरत इंडिया में जो कोटा में जहां हमने सेटल हुआ है हम लोग वहां पे ज्यादा है, क्योंकि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि मेकिंग ए डिफरेंस, MAD,
कि वहां पे मैं शायद लोगों की जिंदगी में इतना डिफरेंस पैदा नहीं कर सकता जितना मैं स्वदेश लौट के कर सकता हूँ। किस तरह से देखते हैं इनके कदम को, आपका आपका साथ था इनको, आप उस वक्त जानती थी इनको? हाँ, हम बाहर इकट्ठे थे और वापस आने का ज्यादा इंटरेस्ट मेरा था क्योंकि मुझे बाहर लॉन्ग टर्म सेटल होने का बिल्कुल मन नहीं था, और साथ ही साथ एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी फीलिंग है कि बाहर सब कुछ है पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो इतनी नहीं होती। आपको लगता है चाहे यहाँ ये सब लोग हैं, मैं इनको किसी को नहीं जानती, पर मुझे लगता है सब मेरे लोग हैं बस। वो बहुत जरूरी है कि आप अपने वतन में अपने सरजमीन पर रहें और देश की सेवा करें, और आजकल भी एक ये दौर नया भी चला है और अब हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और मैंने देखा है कि अब विदेशों से भी लोग वापस आके यहाँ अपने पांव जमा रहे हैं और अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं और धन कमा रहे हैं। बिल्कुल सर। फ्यूचर प्लान क्या है आपके? हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम लोगों को इंस्पायर करें और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो कोटा में, जिस तरह से कोटा में एजुकेशन के सेक्टर में आईआईटी कोचिंग कोटा ने नाम कमाया है, वही हम चाहते हैं कि वही उसी मुकाम पे हम कोटा को ले जाएं आई टीचिंग एंड रिसर्च के मामले में, कि हम चाहते हैं कि कोटा लोग देश विदेश से आंखों के बारे में सीखने आए। और हाउ डू यू डिस्क्राइब योर जर्नी? आपकी, मैंने उसका प्रोग्राम का टैगलाइन पढ़ा था, जमीन से फलक तक जी। तो फलक पे तो नहीं है लेकिन जमीन से जरूर उठे हैं। वो रिलेटिव है कि एक आदमी जो दिल्ली से फलक पे पहुंचा उसकी जर्नी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने सुरेश का गांव देखा है जहां से वो जहां से वही जहां तक उठे हैं वो शायद जमीन से भी नीचे है। हाँ। तो वहां से उठ के यहाँ तक आना एक बहुत बड़ी जर्नी है, और अभी हम कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था कि शायद इंग्लिश में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं शेयर करना चाहूंगी कि थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि हम जब गांव से आते हैं तो इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं होती, जैसे फर्राटेदार अंग्रेजी मुंबई के लड़के बोलते हैं, तो ये कभी आपको अड़चन बनी क्या सक्सेस में? तो सुरेश ने 5 साल यूएस में गुजारे, ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ी ऑफ्थोमोलॉजिस्ट की जहां पे उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, नहीं दिया। हाँ। वीडियो नहीं दिया हो, बोला नहीं हो, चाहे अंग्रेजी कैसी भी हो कैसी भी हो। और नहीं, नहीं, मैं जब बोलती थी कि हाँ। मेरी अंग्रेजी में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी पर हाँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था सब लोगों के सामने बोलने का। तो ये कहते थे कि तुमने कभी किसी स्पेनिश या चाइनीज को घबराते हुए देखा है क्या कि उसकी अंग्रेजी टूटी फूटी है, तो हम हिंदुस्तानी क्यों घबराते हैं? राइट। तो उस विलेज बैकग्राउंड, वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम के बावजूद दुनिया में घूम, आपने जो ये बात कही अब मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि ये सब जब लोग आई डू इट एंड ऐसा करके बहुत कॉन्फिडेंटली, लेकिन जो हिंदुस्तानी वो घबरा जाता है कि मुझे अंग्रेजी में हाथ तंग है तो अब मैं करूं तो क्या करूं, अगर उल्टी सुल्टी अंग्रेजी बोल दी तो मेरी इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। और मैं फिर वापस आ जाता हूं आपकी जीवन संगिनी जो उनसे कि जो आंखें जो चार हुई तो सारी बातें आंखों ही आंखों में हुई या कुछ जुबान से भी इकरार किया? एक्चुअली हमारी जो मैरिज थी वो अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज में भी काफी कुछ अरेंज रहता है। बिल्कुल। और एक्चुअली उसके लिए मेरे जो फादर इन लॉ हैं जो कि जो कैप्टन केएम शर्मा हैं, तो उन्होंने एक्चुअली वो भी छोटे से गांव से आए थे, उनकी स्टोरी भी जैसे मेरी स्टोरी थी वैसे ही उनकी स्टोरी भी थी, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब वो उनसे मेरे से बात की तो उनको लगा कि शायद मैं कुछ कर गुजरने की मेरे अंदर कुछ हिम्मत है, कुछ कुछ जज्बात है, तो उनको बड़ा पसंद आया वो सारा काम और उन्होंने ही हमें इंस्पायर काफी हद तक किया। मुझसे ज्यादा शायद मेरे फादर को पसंद आए तो शुरू शुरू में। अच्छा, उनकी आंखों को भाग जी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मिलके एक काम किया और मिलके जो हमारा हॉस्पिटल है सुवी आई इंस्टीट्यूट, उसका उसकी शुरुआत भी हमने इसे की। उसके पीछे क्या दास्ता है? उसके पीछे दास्ता है कि जो दो वर्ड है वो मेरे हैं सुरेश। हाँ। और दो वर्ड विदुषी के हैं, सुवी। तो उस तरह से उसका नाम रखा, मतलब वो आइडिया विदुषी का ही था कि कंबाइंड एफर्ट है तो इसलिए। और रिश्ता कहाँ गई, इनका नाम नहीं है इसमें, आई है वो इशिता का है। चला भी है आपके पास रास्ता ढूंढ लिया, बोले SUVI में जो आई है वो आपका नाम है। सर एक मैं आपको बुक भी गिफ्ट करना चाहता हूँ जो कि 25 लिविंग लेजेंड्स इन हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। इस बुक के अंदर भी 25 लिविंग लेजेंड्स इन हेल्थ केयर ऑफ इंडिया, इसमें आपके बारे में भी एक, हाँ जी, एक आर्टिकल जी मैं ढूंढ लेता हूँ। डायनामिक आई सर्जन विद पैशन, यस सर। और ऐसी एक्चुअली जब हम लोग यूएस में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, हाँ। हम लोगों ने 12 ऑप्थेल्मोलॉजी बुक्स लिखी हैं, एडिट की हैं, और साथ में 100 पब्लिकेशन किए हैं, और साथ ही साथ कुछ वीडियोज हैं जो जिनको अवार्ड मिला है, अचीवमेंट अवार्ड भी अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने दिया है हमें।
तो काफी रिसर्च का पेशन था, राइटिंग का पेशन था, तो वो कारवा भी साथ साथ चलता रहा। बहुत खूब। चंद मुहावरे आपको बोलूंगा आंखों से रिलेटेड, आप बताते जाइएगा कि उनका मतलब क्या है। आप ये बताइए आंख दिखाना का क्या मतलब? आंख दिखाना मतलब गुस्सा करना, गुस्सा करना, आंखों में गिरना, प्यार हो जाना, नहीं किसी की आंखों में इज्जत कम हो जाना, कम हो जाना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कभी किसी की आंखों में धूल झोंकी है आपने? नहीं, जरूरत नहीं। आंख चुराना, बचना, आंख मारना, छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़, इशारा करना, आंख तरसना, दर्शन नहीं होना, मतलब के लिए बहुत इंतजार, देखने के लिए लालाइट होना, आंख फेर लेना, किसी के लिए इंडिफरेंट हो जाना, इंडिफरेंट हो जाना, आंखें बिछाना, स्वागत करना, वेलकम, आंखें सेकना, बहुत सारे आते हैं आपको, आंखें सेकना, किसी को देख के बहुत खुश होना, खासतौर से एक बहुत अच्छे गुड लुकिंग, और जो पहला हमने कहा था आंखें चार होना, प्यार हो जाना, प्यार हो जाना, और यही प्यार हमें आप सबसे हो गया, आई एम श्योर के पूरे हिंदुस्तान को आप लोगों से प्यार हो गया होगा। थैंक यू विदुषी जी सो मच, एंड थैंक यू इशिता और सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई एम श्योर की आपकी इंस्पिरेशनल सक्सेसफुल स्टोरी को सुनकर बहुत लोग प्रभावित हुए होंगे, बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए होंगे, और आने वाले दिनों में भले ही वो एक आंखों के डॉक्टर न बने, भले ही वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन न बने, लेकिन एक बेहतरीन इंसान जरूर बनेंगे। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक मेमेंटो है आपको देना चाहेंगे, दिस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस और हमारे स्पॉन्सर्स bollywoodcart.com की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स, और हमारे फैशन पार्टनर एब्सोल्यूटो की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। सुवी आई इंस्टीट्यूट एंड लासिक लेजर सेंटर के डायरेक्टर और आई सर्जन डॉक्टर सुरेश पांडे की कहानी सुनने के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इनके जैसे लोग आसानी से मिली हुई चीज की ख्वाहिश कभी नहीं करते, बल्कि उसकी ख्वाहिश करते हैं जिसको दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देती है और हार मान लेती है। अक्सर हम सिर्फ बंद दरवाजे को ही देखते हैं, लेकिन उस दरवाजे को नहीं देख पाते जो हमारे लिए खुल गया है। इनकी कहानी से ऐसे लोगों को जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए जो अभी भी सिर्फ बंद आंखों से ही सपने देख रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।